सब्सक्राइब करें अंकुर एग्रोटेक चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित वीडियोस यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकुर एग्रोटेक में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गेहूं के एक खरपतवार फॉलोरिस माइनर मंडोसी, या जिसे आम भाषा में गुल्ली डंडा कहा जाता है, उसके एक खरपतवार नाशक मोमीजी के बारे में। मोमीजी बायोक्रॉप साइंस इंडिया के द्वारा लाया गया एक नया खरपतवार नाशक है, यह हर्बिसाइड है। मोमीजी के बारे में बात करने से पहले बात कर ली जाए फॉलोरिस माइनर मंडोसी या गुल्ली डंडा की। यह जो है नेटिव है नॉर्थ अफ्रीका का और यूरोप का। ये हमारे देश में लाया गया है किसी प्रकार से। गेहूं में सबसे अगर जिद्दी घासों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहले अगर नाम आता है वो गुल्ली डंडा का ही आता है। इसको जो नियंत्रण है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा खर्चीला हो चुका है। इसका कारण सीधा सा है, काफ़ी सारी दवाइयों का उपयोग करने के कारण इसमें रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। इसीलिए कई सारी दवाइयाँ जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं वो इस पर बेअसर हो चुकी है और ये आसानी से मरता नहीं है। चूँकि ये खरपतवार है तो ये हमारे पौधे के साथ कॉम्पीट करता है और सारे न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट लेता है और हमारे पौधे को कमज़ोर बनाता है एक तरह से। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इसका हम नियंत्रण करें। मोमीजी के केमिकल कंटेंट की यदि बात की जाए तो इसमें पायरोक्सोसल्फोन 85% WG फॉर्म में आता है, जो कि एक न्यू ग्रुप आइसोक्सोजोलिन का है। इस ग्रुप के जो भी केमिकल्स हैं वो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड में आते हैं। प्री इमरजेंस यानी कि जिनका उपयोग 1 से लेकर 72 घंटे के अंदर किया जाता है किसी भी खरपतवार के नियंत्रण के लिए। मोमीजी जो है सिर्फ और सिर्फ तीखी नोक के चारे के नियंत्रण करने के लिए लाया गया है, चौड़ी पत्ती पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं आएगा। यदि मोमीजी के काम करने के तरीके की बात की जाए तो ये फैटी एसिड के प्रोडक्शन को रोकता है। अगर बात करें फैटी एसिड की तो फैटी एसिड जो है एनर्जी का एक सोर्स होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक एनर्जी का रिजर्वायर होता है किसी भी खरपतवार के लिए, किसी भी पौधे के लिए। साथ ही फैटी एसिड की एक और खासियत होती है कि ये एक हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी से इसे डर लगता है और पानी के संपर्क में आते ही अपनी पूरी की पूरी एनर्जी रिलीज करता है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे ही हम पानी देते हैं 20 से लेकर 25 दिन की अवस्था में तो ये फैटी एसिड फूट जाता है और जो खरपतवार मंडोसी है उसको पूरी एनर्जी देता है। इस तरह से वो बाहर आता है, बहुत तेज़ी से हमारी फसल में ग्रो करता है। चूँकि मोमीजी फैटी एसिड के प्रोडक्शन को ही रोक देता है तो मंडोसी या गुल्ली डंडा को एनर्जी मिल ही नहीं पाती बाहर आने के लिए और वो वहीं के वहीं मर जाता है। और यदि वह बाहर भी आ जाता है तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वह बढ़ जाए, इसीलिए वहीं का वहीं वह मुरझा के मर जाता है। और इस तरह से मोमीजी काम करता है। मोमीजी का काम करने का तरीका तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक है। अब बात कर लेते हैं इसके डोज की। अगर इसके डोज की बात की जाए तो 60 ग्राम मोमीजी को आप 150 लीटर पानी में लेकर 1 एकड़ में छिड़काव करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन बात ध्यान में रखने वाली ये है कि ये जो छिड़काव है आपको 72 घंटे के अंदर करना है बोनी के बाद, यानी कि 0 से लेकर 3 दिन के अंदर। यदि मोमीजी को डालने की फ़ायदे की बात की जाए तो इसका रिज़ल्ट जो है काफ़ी लंबा आता है और काफ़ी अच्छा आता है। साथ ही आपके जो पैसे लगते हैं बार बार दवाइयों को उपयोग करवाने में वह भी बच जाते हैं। आपकी फसल जो है ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले सकती है ज़मीन से, क्योंकि उसका जो कॉम्पिटिटर मंडोसी है वह ख़त्म हो चुका है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मोमीजी सिर्फ और सिर्फ तीखी नोक के चारों को मारता है, इसलिए 20 से लेकर 25 दिनों के बाद आप पहला पानी जब निकालते हैं तो उसके बाद चौड़ी पत्ती के जो भी खरपतवार है उनके नाश के लिए आप चौड़ी पत्ते के खरपतवार नाशक का उपयोग जरूर करें। यही सारी बातें थी मोमीजी के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।